हम दोनों ही सिर्फ अवार्ड्स और जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। तो आई थिंक उस चीज़ को रिकग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हमको बहुत खुशी है कि ये अवार्ड्स हो रहे हैं और ऑनर्स हो रहे हैं और ये बच्चों को जिनको स्कॉलरशिप मिलती है उनके लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है, इस चीज़ को हमको रिकग्नाइज़ करना चाहिए। तो ये बाकी चीज़ों के बारे में बहुत टाइम होता है बात करने का, हम लोग इंडिविजुअली भी करते रहते हैं, लेकिन आज अगर इस पर फोकस करेंगे तो अच्छा है। आई थिंक मैं इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड इससे जुड़े हुए हैं एंड आई थिंक ये बहुत ही एक यूनिक इनिशिएटिव है जहाँ पे आप अपकमिंग टैलेंट को, एथलीट्स को जिनमें बहुत हुनर है, बहुत कैपेबिलिटी है, आप उन्हें एक बैकिंग देते हैं, एक सपोर्ट देते हैं, स्पेशली ऐसे स्टेज पे देते हैं जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड आई थिंक विराट ने मुझे बहुत रीजंस दिए हैं टू बी वेरी प्राउड ऑफ हिम, बट दिस हिज फाउंडेशन एंड हिम गिव मी अनदर रीजन टू फील प्राउडर बिकॉज ऑफ द वर्क दैट दे हैव बीन डूइंग अंडर द फाउंडेशन। एंड आई थिंक सारे स्पोर्ट्स को आप कवर करते हैं एंड दैट इंक्रीजेज योर स्पोर्टिंग कल्चर एंड यू नो द लव दैट इंडियंस हैव फॉर स्पोर्ट्स एंड इट पुशेस दैट फॉरवर्ड। आई मीन व्हेरेवर स्पोर्ट कैन हेल्प सोसाइटी, जहाँ जहाँ पे खेलकूद से समाज में सुधार हो, दैट्स फैंटास्टिक। 11 साल इंडिया के लिए खेलने के बाद आज रग्बी ज़्यादातर आदिवासी लोग खेलते हैं। मैं सिर्फ ग्रास रूट की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे दोनों राष्ट्रीय दल जो हैं, बोथ पुरुष के और महिलाएं के, दोनों दल में 60% से ज़्यादा हमारे सदस्य हैं आदिवासी। तो इसमें अगर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रहा है तो और क्या दिखाई दे रहा है। इट्स जस्ट फैंटास्टिक व्हेन स्पोर्ट कैन हेल्प अपलिफ्ट द रेस्ट ऑफ दोज ऑफ अस हु आर नॉट एज प्रिविलेज्ड एज द अदर्स। दैट्स एन अनइंटेंडेड बट अ ब्यूटिफुल गोल्डन ग्लोरियस इफेक्ट ऑफ स्पोर्ट। नहीं, आई थिंक खुश नसीब हूँ अलग अलग जगह पर अलग अलग फंक्शन इवेंट करने का मौका मिला है। जब आप स्पोर्ट्समैन की बात करें, हिंदुस्तान आई थिंक इज अ प्लेस विच इज़ रियली इनकरेजिंग राइट नाउ टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। आई एम वेरी वेरी ग्लैड दैट विराट एंड स्टार हैव कम टुगेदर टू क्रिएट अ प्रॉपर्टी लाइक दिस, जहाँ पे हम ना कि क्रिकेटर्स को बल्कि अलग अलग स्पोर्ट्समैन को सराह सकते हैं, उनके काम के लिए उनको उत्साहित कर सकते ताकि और बेहतर करें, स्पेशली फ्रॉम वॉट आई हैव अंडरस्टूड वाइल प्रिपेयरिंग द यंगर स्पोर्ट्समैन फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, वेदर इट्स शूटिंग, वेदर इट्स हॉकी, वेदर इट्स बैडमिंटन और टेनिस। जो अच्छी बात जो मुझे लग रही है, जो मैं खुशनसीब समझता हूँ, दैट आई एम गेटिंग टू मीट द स्टार्स ऑफ टुमारो एंड आई एम गेटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ देयर हिस्ट्री टू बिकमिंग समथिंग ग्रेट, बिकॉज दिस इज मे बी द फर्स्ट प्लेटफॉर्म दैट दे गेट इंट्रोड्यूस्ड अपॉन ऑल्सो थैंक्स टू हिज फाउंडेशन, विराट की जो खुद की फाउंडेशन है। यार आई एम जस्ट अबाउट फॉलोइंग माई करियर दिस डेज, बट वॉट हैपन्स इज यू डोंट ऑलवेज नीड टू फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप, एज लॉन्ग एज यू कैन बी पार्ट ऑफ देयर जर्नी, एज लॉन्ग एज यू कैन बी एज एन इंडियन प्राउड टू हैव female cricketers coming in, and we encourage that. I think what's important is that slowly it's going to grow. They are the torch bearers, they are the first step, and it's not only me. I think it's just about, as a nation, we have to appreciate the fact that for many years it was a male dominated sport. Today we have taken this leap, and I'm very very glad that they are being appreciated today. It's another chance, again, like I said, to underline the fact that there is more to India than just cricket, and it comes in an amazing way when a Virat Kohli does this. So I think credit to him and the team, but I'm really glad that it's happening. Yaar, pehli baat to main kehna chahta hu, this is the only couple in the entire country jinke bare mein ye nahi bol sakta koi ki yaar ye Virat ki wife hai ya ye Anushka ke husband hai. Both of them, I think they are the power couple of our country, man, and I think both of them have done extremely extremely well in their respective careers, and both of them have had a very similar graph. I was watching Virat's interview on YouTube, and he said ki similar time pe dono ka debut hua, say similar time pe dono unka graph upar jana shuru hua, and both of them have worked extremely hard to achieve what they've achieved. So God bless them, yeah, and yeah, congratulations on today's event. I think it takes a lot to honor all the upcoming sports persons, so yeah, really looking forward to that. First of all, I'm very happy to be here. Big congratulations to Sanjeev Goenka and obviously Mr. Virat Kohli for bringing and shining a light on Indian sports. I think it's incredible that they're honoring sports people who've given their lives and commitment to this country. I think we're going to do extremely well in the Tokyo 2020 Olympics, and I have no doubts about that. It's a special day for me because I'm singing a song tonight. So
enjoy it. Thank you. Well, I think पहले तो ये जैसे पिछले साल भी हुआ था उस टाइम मैं अटेंड करने आई थी और मुझे अवार्ड मिला था, ऑनर मिला था रादर. तो मैं बहुत खुश हूँ टू बी हियर अगेन. इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ स्पोर्ट, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ आर नेशन एंड इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ एवरीबडी दैट ब्रिंग्स लॉरल्स टू आर कंट्री. तो मैं बहुत खुश हूँ टू बी अ होस्ट ऑफ एन इवनिंग लाइक दिस. आई हैव बीन नॉट बीन एबल टू प्ले फॉर द लास्ट टू ईयर्स बट आई एम सो हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस. Well, I think most important hai ki eat healthy, stay healthy. I think fitness and health is a very important part of everybody's life, athlete or not an athlete. So, you know, eating right and at least working out every day, 1 hour a day is very, very important. Sports honors, I think, is to honor all sports people. And I think the best sportsmen in India should be honored. I think it's important ki apni field mein jo bhi achha karta hai, uski performance recognize ho. So, I think... more than Virat, I would like to congratulate Bunty on doing this and putting this all together. And the best guys, best performance should win tonight. I'm not here to answer clear questions. ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे कप्तान साहब विराट कोहली सर की तरफ से एंड आई एम रियली ग्लैड एंड ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. एंड ये इंडियन एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन सबको यहाँ पे अवार्ड से नवाजा जाएगा तो विच इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर. आई थिंक द फर्स्ट मैच वाज प्रीटी गुड. द प्रिपरेशंस आर गोइंग रियली वेल फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप एंड अनफॉर्चुनेटली द सेकंड मैच गॉट वॉश्ड आउट बट आई थिंक द क्राउड वॉज रियली गुड एंड द एटमॉस्फेयर वॉज अमेजिंग. सो रियली वी लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले द मैच डे आफ्टर. I think it's a big thing for me and even like never thought that things would happen so fast so soon for me. But yeah, actually I'm very honored and humbled to be over here and like really looking forward to, you know, going inside. And I think it's very special for me, you know, to have someone, you know, I really look up to and also someone who has always been like an elder sister to me. So I think it's very special for me to be with Smriti over here and, you know, receive the award together.